वहीं पर खड़ा हो जा। भगवान कन्हैया ने रथ रोक लिया। भक्ता जब इतने वचन सुनिए भगवान कन्हैया रथ से कूदे, रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। पिया हमारा भैया तुमसे बहुत कर रहा है, पर तुम हल्के आ फिर जाओ। कन्हैया कहने लगे पागल हो गई, कलाई छोड़ो क्यों, हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, तुम हमसे कह रही फिर जाओ। भगवान कन्हैया में और रुक्मे में युद्ध हुआ है, तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही रुक्मों को युद्ध में बांधा है, रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, नाथ ऐसा करो हमारे भैये मारे मत देना। क्यों तुम्हें नहीं पता समय समय पे बहुत कष्ट होता है। अरे बोलिए दोनों हाथ जोड़े हमारे भैया को छोड़ दो। छोड़ दो नाथ भाई, मैया हो जाए हो पीर पकता सुने भाई आई छोड़ दो ना। भगवान कन्हैया ने लिया रथ के पीछे बांध लिया भक्तों। तब तक बड़े भैया बलराम आगे पता लगा, तो उसी समय बलराम ने जवाब दिया कन्हैया क्या आ गए, ये कन्या कौन है और तुम्हारे पीछे कौन बना है। जवाब दिया भैया जब तुम्हारे साले साहब हैं ऐसे क्यों बांधे। बताया ये रुक्मिणी है, इसकी शादी अपने साले के साथ करना चाहते थे और हम इन्हें लेकर आए। उसी समय भगवान बलराम ने कन्हैया को जितनी
शिशुपाल की सेना थी, युद्ध में सबको परास्त कर दिया, शिशुपाल भाग गया और भगवान कन्हैया को वापस लेकर आए हैं कुंदनपुर में और शादी करवाई है धूमधाम से। और जब शादी करवाई है और सब सखियां जब इकट्ठी हुई है भक्त, तो गाली गाने लगे।